नमस्कार, ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। और आज के 287 दिन के ईश्वर वरदान में परमपिता परमात्मा हमें साइलेंस के द्वारा हमें एक ऐसी शक्ति को हम जागृत कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने पूर्व जन्म में हम हमारे अंदर कौन सी दिव्यता थी, हम किस प्रकार की आत्मा थी, हम सब कुछ पता कर सकते हैं उस साइलेंस की शक्ति से। हम महसूस कर सकते हैं कि हम पहले क्या थे, मतलब ये नहीं कि आप पिछले जन्म में क्या डॉक्टर थे कि लॉयर थे कि क्या थे, वो नहीं। आप किस प्रकार की आत्मा थे, आपके क्या संस्कार थे, आपकी क्या सोच थी, आपके अंदर क्या क्वालिटीज थी, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखें, परमपिता परमात्मा आज कहते हैं इस वरदान में, बाबा कहते हैं कैचिंग पावर द्वारा, कैच क्या करना है, हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भाव। आपको ऐसे फील होगा कि वो आप ही थे और अभी उस रोल में आने को आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कोई अगर एक्टर किसी रोल को एक बारी कर चुका होता है कई मूवीज पहले, उसको फिर से वही रोल उसी प्रकार का किसी टाइप का रोल मिल जाए उसको, तो उसको याद आता है, स्मृति आती है, मैंने कैसे किया था। थोड़ी देर अपने साथ में बैठता है, चाहे आईने के सामने बैठ जाए, शीशे के सामने बैठ जाए कि मैंने कैसे एक्टिंग करी थी, मेरे एक्सप्रेशन क्या थे मेरे फेस पे। उसी तरीके से हमारे संस्कार क्या थे कई जन्मों पहले, उसके लिए हमें भी साइलेंस में अकेले में अपने साथ में बैठना बहुत जरूरी है और परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया हुआ उसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखें बाबा कहते हैं क्या इसको विस्तार में, पुरुषार्थ का मुख्य आधार, पुरुषार्थ मतलब क्या, हमें कैसे बनना है, परमात्मा ने हमें कैसे बनाया था वैसा ही फिर से हमें कैसे बनना है। आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंस दान बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, जैसे कि हम ओम ध्वनि के बारे में सुन चुके हैं, गूगल में भी पढ़ चुके हैं, साइंटिस्ट ओम ध्वनि को आकाश में भेज रहे हैं और वेट करते हैं कि ओम ध्वनि वापस कहीं पर टकरा करके वापस तो नहीं आती है, कैसे आती, कितना टाइम लेती है, कितने साल लगते हैं उसमें, वो उस सारी चीज़ों को करते हैं, साइंस वाले करते हैं, साउंड को कैच करने की कोशिश करते हैं, जो कि भूतकाल में भेजी हुई आवाज़ है जो कि अभी वर्तमान काल में आ रही कि नहीं आ रही वापस, वो है साइंस दान की शक्ति से अपने आदि। वैसे ही हम भी क्या कर सकते हैं, साइलेंस की शक्ति से, वो तो साइंस ने किया, हम साइलेंस की शक्ति से अपने आदि देवी संस्कार कैच करें। कैसे करें, बाबा कहते हैं साउंड को कैसे करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि देवी संस्कार कैच करो। आदि मतलब स्टार्टिंग के, जब परमात्मा ने हमें इस धरती पर बैठा भेजा था तो हम किस प्रकार की आत्मा थे, क्या संस्कार थे, क्या गुण थे हमारे अंदर, क्या शक्तियां थी हमारे अंदर जो कि हम भूल चुके हैं और अब हम हमारे अंदर अवगुण आ चुके हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि साइलेंस की शक्ति से आप उन सब चीज़ों को आप याद कर सकते हो, कैच कर सकते हो। जैसे साइंस कैच करती है, उनके पास में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्या है, साइलेंस मतलब मेडिटेशन में बैठ करके। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था, मतलब कि परमात्मा ने हमें जैसे बताया ब्रह्म कुमारी में कि आप कई जन्मों पहले आप देवी देवता स्वरूप वाली दिव्यता वाली आत्माएं थीं, दिव्य गुणधारी आत्माएं थीं, अभी आप पापी बन चुके हो, काले बन चुके हो और आपके अंदर संकल्प नेगेटिव हो चुके हैं, अपवित्र हो चुके हैं, लेकिन आपको जब मैंने धरती पर भेजा था आप बिल्कुल पवित्र थे, दिव्य थे, बिल्कुल प्रकाशवान थे। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ, क्या जो मैं पिछले जन्मों में था वही मैं फिर से बन रहा हूँ, लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ सुनना नहीं कि मैं था, लेकिन मेडिटेशन में बैठ करके उस स्वरूप में आना, याद करना, जैसे एक्टर को याद कर रहा होता है कि मैं वैसे था, ऐसे किया था, मैंने ऐसे बोला था, ये किया था, वैसे हम भी दिव्यता में जब होते हैं तो कैसे होते हैं, शांति से कैसे बात करते हैं, हमारे अंदर कैसे सबके लिए शुभ भावनाएं होती हैं, अपने अंदर जो स्मृतियां हैं वो सारी की सारी हम साइलेंस में बैठ करके निकाल सकते हैं। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। तो वो तो सिर्फ मेडिटेशन में सकता है, जितना बैठेंगे मेडिटेशन में और उसको स्मृति में लेके आएंगे, मैं दिव्यता में, गोल्डन एज में, सत्युग में अगर मैं आत्मा थी तो मैं किस प्रकार की आत्मा थी, मैं चाहे वो स्त्री के शरीर में हो चाहे पुरुष के शरीर में हो, किस प्रकार की मेरी आत्मा थी, मैं कैसे बिहेव करती थी, मेरी वृत्ति कैसे थी, सोच कैसे थी, मेरे कर्म कैसे थे। तो वो तो हम सिर्फ मेडिटेशन में बैठ के कर सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट
अनुभव में आए जैसे कल की बात है। 5,000 वर्ष पहले, 84 जन्म पहले हम आत्मा क्या थी, कैसी थी, वो आप मेडिटेशन में सीखते हैं ब्रह्मा कुमारीज में आकर के। लेकिन उसके लिए ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ तब शक्तिशाली बनेंगे। स्पष्ट और श्रेष्ठ कि परमात्मा ने तो कह दिया हम पिछले जन्म क्या थे। कई लोग तो अपने पिछले जन्मों के बारे में पता करने के लिए जाते हैं, हाथ दिखाते हैं, कभी कभी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं, कभी पास लाइफ रिग्रेशन करते हैं, क्या क्या करते हैं कि मैं पिछले जन्म में क्या हुआ था मेरे साथ में, मैं क्या था, डॉक्टर था, लॉयर था, वॉरियर था, आर्मी का था, किस में था मैं। परमात्मा कहते हैं वो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि आप के अंदर क्या गुण थे। वो सारी चीज़ें याद करना कितना ज़रूरी है क्योंकि गुण ही हमारे जीवन को बनाते हैं। तो क्या थे हम पिछले जन्मों में, गुणवान कितने थे, दिव्यता कितनी थी, वो पता करने के लिए मेडिटेशन के द्वारा हम कर सकते हैं खुद ही बैठ करके, किसी की ज़रूरत नहीं उसके लिए। तो परमात्मा कहते हैं कि वो प्रैक्टिस करनी है तो आपको फिर तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर के सीखना पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली क्या है वो कोर्स, क्योंकि 7 डेज में हमें अपने कई जन्मों के बारे में बता देते कि हम पिछले जन्मों में क्या थे, कैसे थे, किस प्रकार से चलते थे, बोलते थे, हंसते थे, खेलते थे, क्या करते थे हम। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम वो आकर के सीखें। अगर आप भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर आपके घर के आसपास है तो ज़रूर जाकर के वहाँ पर जाकर के अपने बारे में इस ज्ञान को लें और अपना जीवन सफल करें। इसके साथ ही आपकी शुभ रात्रि हो। ओम शांति।